नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं आपको एक नया नुस्खा बताने जा रहा हूँ कि जिससे आप किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हैं, चाहे वह कोई भी हो, और वो भी लहसुन की कलियों से। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं। वो चाहे किसी व्यक्ति से परेशान हो, चाहे बीमारी से परेशान हो, चाहे अपने धन परिवार से, अपने व्यापार से, या और कई चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी को समझ नहीं आती, लेकिन वो आदमी को परेशान करती रहती हैं। तो इन सभी दिक्कतों के लिए आप एक काम कीजिए, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आखिर लहसुन की कलियों से आप कैसे अपना किसी को बना सकते हैं, कैसे किसी को अपना गुलाम बना सकते हैं। खासकर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं और वो लगातार उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, या उन्हें मेंटली टॉर्चर करते हैं, या उनका किसी कोई भी काम नहीं बनने देते, या उनकी तरक्की में बाधा बनते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही स्टीक और आसान नुस्खा है कि आप उसको कैसे अपना गुलाम बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सोच विचार और आपकी आपके आग्रह पे और आपके कहने पर हमने ये कुछ नए टोटके बनाए हैं कि आखिर कैसे आप किसी को अपना गुलाम बना सकते हैं, या आप कैसे किसी से अपना काम निकलवा सकते हैं, या आप कैसे किसी को शांत कर सकते हैं जो आपका नुकसान कर रहा है या आपकी तरक्की में बाधा बन रहा है। तो उसके लिए बात करेंगे कि आखिर करना क्या है आपको उसके लिए। दोस्तों, लहसुन का प्रयोग हम दवाइयों के लिए भी प्रयोग करते हैं और इसे खाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि लहसुन का प्रयोग हम इन परेशानियों को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। तो आज उसी के प्रयोग के बारे में बताएंगे कि आखिर लहसुन क्या करामात कर सकता है किसी को अपना बनाने में या अपनी परेशानियों को हल करने के लिए। तो दोस्तों, बताता हूँ आपको, लहसुन की 5 कलियों को लें और लहसुन की 5 कलियों को लेने के साथ एक गेंदे का फूल उसके साथ लें। लहसुन की 5 कलियां और एक गेंदे का फूल, कोई भी हो, लाल कलर का या ब्लैक कलर का कोई भी हो सकता है उसमें, या डार्क ब्राउन कलर का हो सकता है, कोई भी गेंदे का फूल ले सकते हैं आप। ये दोनों चीजें लेकर आप शनिवार को शाम के 5 बजे लेकर, और आप यह दोनों चीजें किसी पीपल के नीचे रख दें, और किसी पीपल के नीचे रखने के बाद जब आप इनको रखेंगे तो आप उस व्यक्ति का नाम जरूर लें जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं, या जिससे आप परेशान हैं, या आप जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो वहां रखने के बाद जब आप नाम लेंगे तो आप वहां से वापिस आ जाएं, और वापिस आने पर आप पीछे मुड़कर नहीं देखें और अपने सीधा वापस घर आ जाएं। और आपको यह कार्य सिर्फ एक बार ही करना है, और ये करने के बाद जब आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन में आपको एक नया एहसास या अलग सी फीलिंग होगी कि ये जो आपने नुस्खा किया था यह कार्य करने लग गया है, और आप जिसको अपना गुलाम या जिसका जो किया हुआ है या जो आपको परेशान कर रहा है वह आपको परेशान करना बंद कर देगा। तो ऐसे इस टोटके से, इस नुस्खे से आप अपनी परेशानियों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे को जरूर लिखिए, आप इन चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी परेशानियों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं एक नया नुस्खा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।